नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन और हार्दिक आभार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल पर। नाम है पाठशाला एंड द ब्रांचेस। ठीक, मतलब पाठशाला रेलवे एग्जाम, माय पाठशाला, पाठशाला डिफेंस, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को यहाँ पर पहुँच कर, जिस भी टीचर को, जिस भी शिक्षक को आपने फॉलो किया है, उसके लिए आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और अपने शिक्षकों को, जिनसे मैंने आज तक कुछ भी सीखा है, उनको अपनी तरफ से सादर प्रणाम करता हूं और उनको भी टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर कुछ बातें आज मैं आपसे करने आया हूं। आज कोई पढ़ाई नहीं है, मैं सिर्फ कुछ बातें आपसे करूँगा जो कि लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सबको ये पता होगा कि शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, 5 सितंबर 1888 को हुआ था और देहावसान 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। इन्हीं की स्मृति के उपलक्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इन्हीं की स्मृति में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और देखिए, ऐसा है ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहते हैं और दुनिया के जितने बड़े बड़े शिक्षक हुए हैं, सबने कहा है कि अगर शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसमें विद्यार्थी के गुण होते हैं। मतलब अगर शिक्षक में सीखने की प्रवृत्ति कम हो गई तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। और क्योंकि शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी का भला चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शिक्षक ने मेरा भला चाहा। जिस ऊँचाई पर, जिस मुकाम पर, जो भी है, उस जिस मुकाम पर मैं हूँ, मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। और सबसे प्राथमिक शिक्षक, सबसे शुरुआती शिक्षक तो माँ होती है, और माँ हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहती है ना। तो कुछ चार बातें मैं आपको बताऊंगा जो गोल्डन रूल हैं, जिसके लिए आपको इस वक्त मेहनत करनी होगी। और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि आपका, आपकी पढ़ाई में फोकस कैसे हो, कैसे मन लगे। तो कुछ चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। 4 गोल्डन रूल हैं लाइफ के, आप इसको समझिए और इसको एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, एक बार महसूस कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। सबसे पहला, वेक अप अर्ली, जल्दी उठने की आदत डालो। कुछ बच्चों में ये आएगा, अरे जल्दी तो सब लोग उठते हैं, जल्दी तो मुर्गा भी उठता है, वो क्यों नहीं होगा। आप अपनी तुलना जानवरों से नहीं कर सकते। ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है, जानवर नहीं है। आप अपनी तुलना अगर जानवरों से करेंगे तो कैसा चलेगा। जल्दी उठने की आदत डालिए। और जल्दी उठना ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है, इसको, ये सभी के लिए फायदेमंद है। वेदों में इसका वर्णन किया गया है। आप अगर कभी वेद पढ़ेंगे या कुछ ऐसी रामचरितमानस पढ़ेंगे या गीता, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह जल्दी उठकर जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें मस्तिष्क के ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो 80 से 90% होता है। और उस वक्त जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो उसका अर्जन एक भिन्न प्रकार का होता है, वो जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। आप समझिएगा। देखिए, इसका एग्जांपल एक साक्षात देता हूँ। आप उठिए कभी कभी और न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में लिखी हुई कोई भी बात जो आप पढ़ते हैं उसको आप सच मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वो इसी वजह से होता है। जिस चीज़ को विज्ञान आज प्रमाणीकृत कर रहा है उसे हमारे वेद बहुत पहले से कह चुके हैं। दूसरी बात, वर्क हार्डर देन द यस्टरडे, बीते हुए कल से आज हमेशा ज़्यादा मेहनत करिए। ऐसा करने से आपको इसका परिणाम स्वयं दिखाई देगा। आप अगर बीते हुए कल से आज ज़्यादा मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं तो विश्वास मानिए, एक दिन आप सफलता के उस नए मुकाम और उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे जिसकी कल्पना कभी आपने की होगी। तीसरा रूल, गोल्डन रूल, जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक, तीसरा गोल्डन रूल है कि नेवर गो 3 डेज विदाउट एक्सरसाइज। 3 दिन कभी भी बिना एक्सरसाइज के मत जाने दीजिए। कि ऐसा नहीं कि आज मैं नहीं करूँगा, फिर मैं कल नहीं करूँगा, फिर मैं परसों नहीं करूँगा। घर पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप अपने व्यायाम को समय दे सकते हैं, प्राणायाम को समय दे सकते हैं, उसको दीजिए। ये सब कहीं सुनी बातें नहीं है, इसको मैंने अपने ऊपर आजमाया है। मैं व्यायाम तो नहीं कर पाता लेकिन प्राणायाम जरूर करता हूँ। हर 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार जरूर करता हूँ। और उसका असर ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद है, हर उस विद्यार्थी के लिए जो अपनी स्मृति को अच्छा करना चाहता है, भूलने की आदत है, उसको करना चाहिए ये, सिर्फ इसलिए। चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, मेक सम टाइम टू रीड द बुक्स। अपने पाठ्यक्रम के अलावा कुछ ऐसा समय निकालिए जिसमें आप पुस्तकों को दोस्त बनाएं।
आपने लाइफ में, आपने जीवन में तो दोस्त बहुत सारे बनाए हैं। जिस दिन आप अपने आप को समय देकर पुस्तकों को, बुक्स को अपना दोस्त बनाएंगे, ये अनुभव आपके अनुभव को एक चरम स्तर तक लेकर जाएगा। तो ये 4 गोल्डन रूल हैं जिस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि मतलब जानते हो ये हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए रूल हैं। और ये सिर्फ मैं कहीं सुनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप अप्लाई करो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि उसके बाद जीवन की दौड़ भाग इतनी होती है कि इन सब के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अभी से आप अगर इसको अपने जीवन में एक सुसज्जित रूप से लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप इसके आदि हो जाएंगे, और जब इसके आदि हो जाएंगे इन चीज़ों के, तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, अब कुछ बातें मैं इस बात पर करना चाहता हूँ कि जैसे कभी कभी बच्चों के प्रश्न उठते हैं, जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ बच्चों के प्रश्न उठते हैं कि सर कैसे पढ़ें, मन नहीं लगता है, सर कितना पढ़ें, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ें। बेटा, कोई भी कार्य, दुनिया का कोई भी कार्य, महापुरुषों से उठा के विश्वामित्र जी, पतंजलि, चरक, जितने भी एक से एक बड़े महापुरुष अपने यहाँ हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नितिन गडकरी, अगर हम लोग आज के समय की बात करें, शाहरुख खान, सलमान खान हैं, वो पंकज त्रिपाठी जी, ये लोग जो है ना, ये अपने जीवन में चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ये अपने काम के प्रति फोकस रहते हैं, काम के प्रति क्या रहते हैं, फोकस रहते हैं। शाहरुख खान एक बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं, कभी भी सुनना, शाहरुख खान एक बात हमेशा कहते हैं कि जीवन में आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, ये हमेशा बना रहेगा, इसको आप बहाना नहीं बना सकते। अपने काम के प्रति अगर इसको आप आड़े आने देते हैं तो ये मान के चलिए आपकी सफलता आपके इंतज़ार में कुछ और समय इंतज़ार करेगी, ये कुछ नहीं होता। कहता मैं 4 से 5 घंटे सिर्फ सोता हूँ और दिन भर में काम करता हूँ, हो सकता है कि इससे कुछ लोग बुरा माने, लेकिन आप अपने परिवार के ख्याल रखने के लिए अगर आप ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में हैं, आज ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। और ये बात सच है, और ये बात सच तभी होगी जब आप अपनी चीज़ों का त्याग करके आगे बढ़ेंगे। भाई अभी क्या होगा ना कि कुछ लोग देखेंगे इसको, देखेंगे अरे ये तो उन्हीं की कही हुई बातें रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं की कही हुई बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने भी तमाम बार रिपीट की होगी, लेकिन अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं। और सुनिए, जितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है भाई, उनसे पूछे कि उनके जीवन का कब परिवर्तन क्या है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में अपनी पढ़ाई करता था मैंने सिर्फ और सिर्फ विश्वास मानो सिर्फ 6 महीने दम भर के पढ़ाई की, सिर्फ 6 महीने, इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, वो भी अपने घर में नहीं, अपनी मौसी के घर पर रह के। और उस 6 महीने में हमारे बड़े भैया थे मिस्टर अनुज कुमार वाजपेयी, आज वो कस्टम में सुपरिटेंडेंट हैं, ठीक, उनके साथ मैं पढ़ाई करता था। तो उनके साथ पढ़ाई में होता ये था कि मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए और जो नित्य कर्म होते हैं वो करने के लिए अपनी किताबों को छोड़ता था मैं। और इसका परिणाम हुआ मैंने 4 सिलेक्शन लिए, ठीक। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। किसी से बोल दो कि भाई मर्सिडीज कार चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए, हाँ चाहिए, क्या दे सकते हो उसके लिए, BMW चाहिए, हाँ चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, हाँ चाहिए, उसके लिए आप कुर्बान क्या करोगे, उसके लिए आप दोगे क्या, देंगे क्या, फिर वो सेक्रीफाइस नहीं होगा। और जब सेक्रीफाइस नहीं होगा तो आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं बात करता हूँ विद्यार्थी जीवन की। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, पढ़ाई करता था, तो दोस्त यार तब भी थे, दोस्त यार अब भी हैं, वही दोस्त तब थे, वही दोस्त आज भी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दी या कुछ ख़त्म कर लिया, नहीं। होता क्या था, तो जब मैं पढ़ के घर से बाहर निकलता था, उनके साथ बैठता था, हंसी टिटोली होती थी, तो हंसी टिटोली के बाद कुछ समय बाद जो मैंने पढ़ा हुआ था मैं भूल जाता था, और जब भूल जाता था तो फिर आकर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता था कि अरे यार ये क्या है। तो आपका सिटिंग जो एक वो होता है सिटिंग, कि आप कितनी देर बैठ सकते हो, ये बड़ा मायने रखता है। अभी कुछ दिनों के लिए दोस्ती त्याग दो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता था मैं। और अब आखिरी में, पाठशाला रेलवे पे ग्रुप डी की क्लास डेली मेरी 4:00 से होती है, और पाठशाला डिफेंस पर डिफेंस में मैथ्स की क्लास 5:00 डेली आपको प्रीमियर मिलती है। क्लास में जरूर आइए, देखिए जरूर, मजा ना आए तो कहिएगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। बैच है हथौड़ा बैच, मैथ्स क्लास 4:00, मत भूलिएगा। धन्यवाद, सभी शिक्षक दिवस।